जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काशी तमिल संगमम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था वो भी चल रहा है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मौसम इस वक्त वाराणसी में तो श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसी के दृष्टिगत नगर निगम वाराणसी ने ये प्लान तैयार किया है और टारगेट तैयार किया है कि 1 से 3 दिसंबर के दौरान लगातार 75 घंटे अलग अलग तरह के सफाई अभियान, प्रचार प्रसार, सफाई के घाटों पर सफाई अभियान 3 दिन तक हम लगातार कराएंगे और इसमें अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरह के काम कराए जाएंगे। जैसे कि आपका गार्बेज पॉइंट को गार्बेज रिमूवल पॉइंट को रिमूव करना, चौराहों का सौंदर्यकरण बढ़ाना, ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर अपशिष्ट वगैरह गिराते हैं लोग उसको मैनेज करके उसको साफ करके वहाँ हरियाली पौधारोपण करना, साथ ही साथ कैमरों के माध्यम से एक बार हमने जैसे अभियान पहले चलाया था एक वृद्ध अभियान चलेगा कि जो वायलेटर्स हैं जो कूड़ा फैला रहे हैं, इवन बड़ी बड़ी दुकानें बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो रात को कूड़ा सड़कों पर फेंक देते हैं और रात के समय भी इस वक्त पर्यटक बहुत घूमते हैं या घाटों पर निकाल के फेंक देते हैं, घाटों के अप्रोच गलियों में निकाल देते हैं, उनको हम कैमरे के माध्यम से पकड़ के उन पर चलान भी करा जाएगा। साथ ही साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से मीडिया के सहयोग से ये कोशिश की जाएगी कि 1-3 दिन तक ये हम लोग एक अभियान ऐसा चलाएं कि लोगों में जन जागरूकता बढ़े और एक भागीदारी की भावना आए कि सफाई का कार्य करना सिर्फ नगर निगम का या किसी सरकारी विभाग का काम नहीं है, लोगों की भी भागीदारी उसमें बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जोन वाइज टीमें बनेंगी, जो हमारा टारगेट है कि हमारा बिल्कुल 0 गार्बेज घाट्स रहें इन 3 दिनों तक। प्रचार प्रसार के लिए हमने प्लान किया है कि जगह जगह शहर में हम सेल्फी पॉइंट्स, जो स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत का प्रचार करेंगे, एक उनका मैसेज देंगे, सेल्फी पॉइंट्स रहेंगे। एक चीज़ हम इस बार पहली बार करने जा रहे हैं, हम सेल्फी पॉइंट्स या लोग अपना सेल्फी हमारे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे या हमारे मैसेज शेयर करेंगे, हम प्रचार प्रसार के लिए या लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कि एक मैसेज आ रहा है उसमें से हम रैंडमली फिर लॉटरी के माध्यम से जुड़ेंगे और हम पुरस्कार राशि भी देंगे, प्रोत्साहन राशि भी देंगे। अलग अलग कैटेगरी में ही हम प्लान करा है। इसकी जो एक विस्तृत पुरस्कार कैसा रहेगा क्या रहेगा 1-2 दिन में हम लोग आप लोगों के माध्यम से जनता को भी बताएंगे और अपने FM के माध्यम से अलग चीज़ों से जनता को बताएंगे और चाहेंगे कि वो लोग इस मैसेज को पहुँचाने में हेल्प करें। साथ ही साथ हम उनको पुरस्कृत करेंगे, एक भावना बढ़ेगी कि हाँ हम क्यों करें इसको, एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए रहेगा। कई स्कूलों से हमने टाई अप कर लिया है, स्कूलों से बातचीत हो गई है, बड़े बड़े स्कूलों से बातचीत हो गई है जो इस अभियान में अपना सहयोग देंगे और अपने आसपास के इलाके को एक आदर्श एरिया डेवलप करते हुए उसमें कूड़ा पन्नी प्लास्टिक इस तरह को देखते हुए उसको करेंगे। ये हमारा कार्य योजना है और हमें लगता है कि आप लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम इसको 1 से 3 तारीख तक सफल कार्य योजना ले जाएंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर ये सफल होता है तो हम ऐसे ही हर महीने या एक कार्य विस्तृत कर रहे हैं कि लोग हर बार उससे जुड़े रहें, अगली बार RWA भी जुड़े हैं, इस बार भी RWA जुड़े हैं, कुछ हमारे प्रतिष्ठान हैं, बड़े प्रतिष्ठान हैं, फूड कोर्ट्स हैं, बड़ी मार्केट्स हैं, उनको भी जोड़ा जाए। और एक ये रहेगा कि एक फोकस ये रहेगा कि लोग जो ऐसे हैं वहाँ अपना डस्टबिन वगैरह खुद भी रखें, नगर निगम के डंपर या जो रहते हैं बिल्स रहते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं तो अपना छोटा रखें उसको उसमें डालें, तो इस तरह के प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। शहर में लगातार लोग उसके ऊपर अपने टीचर्स की प्रिंट के लिए टीचर चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना, प्लस आपको क्रास बैनर वगैरह लगाए जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है? देखिए जितने भी बैनर्स वगैरह हैं हम ऑलरेडी जब भी कोई प्रोग्राम होता है वैसे होता है तो हर वगैरह में हमारा रात को अभियान चलता है। इस वक्त आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहरों रोड पर लगते थे काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आते हुए फातमा रोड पर इस वक्त नहीं लग रहे हैं, खंभों पे भी नहीं लगे हुए हैं। एयरपोर्ट रोड की तरफ से आने वाला रोड पूरा जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ आपको कोई भी दीवारों वो खंभों पे छोटी होर्डिंग जो छोटे साइज की खंभों पे टांग देते थे वो भी नहीं है। अभियान चलता रहेगा, क्रॉस व्रॉस वाले का भी चलता रहेगा। अब ये हमने इस बार प्लान किया है और हमने इसका निर्धारित भी किया है कि जो संस्था वगैरह अगर लगाती है तो हमने इसको प्लान कर रहे हैं कि हम उस पर भी जुर्माना लगाएंगे जो दीवार खराब कर रहे हैं। दीवारों पर सीधे इश्तहार लगता है कि आपको टीचर चाहिए, शहर का ऐसा कोई कोना कतरा नहीं जहां पे ऐसे इश्तहार न लगे, इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए कई बार होता है कि उसमें हमको एड्रेस वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए हम प्रिंटिंग प्रोसेस से बात कर रहे हैं कि कहां से छपता है, फोन नंबर रहता है। ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये मैंने लगाया हो, किसी और ने लगाया हो,
इसलिए हम प्रिंटिंग प्रेस से पूछेंगे कि आपके यहाँ से छपा था, आपको किसने ऑर्डर दिया? वॉल पेंटिंग की मैं बात कर, वॉल पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वॉल पेंटिंग बात हूँ। कई बार किसी ने लगा दिया कि आपको कहने, आपको फंसाने के लिए लगा दिया कि इसने लगाया है पोस्टर, तो प्रिंटिंग प्रेस को जिसने ऑर्डर दिया होगा, हम प्रिंटिंग प्रेस से बात है, हमारा अनुज्ञप्ति विभाग, विज्ञापन विभाग प्रिंटिंग प्रेस से बात कर रहा है, तीन चार बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, कि आपके यहाँ किसने छपा, जिसने आपको ऑर्डर दिया उसके अगर लग रहा है तो उसको हम लाइबल रखेंगे। नहीं देखिए, सफाई तो शहर की ये नहीं कि तीन दिन में ही होगी, सफाई तो पूरे एक सतत प्रयास है, ये तीन दिन में करने का है कि लोगों को मोटिवेट, जन भागीदारी, मैंने वही कहा कि इसमें जन भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए, इसके लिए हम प्रोत्साहन पुरस्कार रख रहे हैं। ऐसा नहीं सफाई खाली तीन दिन से, अगर मैं कहूँ कि तीन दिन सफाई होगी शहर में बाकी दिन नहीं होगी, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। सफाई तो हर दिन, सफाई तो हर दिन होनी है सर। आपके विभाग द्वारा इससे पहले भी अभियान चलाया जा चुका है, वही हम कह रहे हैं, तो लगातार लोगों को जोड़, वही हम कह रहे हैं लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास है, लोग जितने जुड़ेंगे उतना फायदा है। हम ये कब कह रहे हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया, मैं तो खुद घर घर कूड़ा उठाने वाली, आज वो भी फ्लॉप नजर आ रही, नहीं फ्लॉप नजर आ रही, कमियां रहती है, लेकिन आज के डेट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद इसमें बोलते हुए आपको बताया कि तीन दिन का ये चलेगा, फिर हम दोबारा चलाएंगे, हर माहवार चलाएंगे, ये नहीं है कि एक दिन हम एक महीने चला के हम खत्म कर देंगे, ये तो जब तक एक परफेक्ट पोजीशन जैसे इंदौर सूरत जैसे शहर तक नहीं पहुंचेंगे, वहाँ जन भागीदारी जब तक नहीं बढ़ेगी वो नहीं होगा। संसाधन उतने ही रहे हैं, संसाधन बढ़े कम हो, संसाधन बढ़ ही रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास नए संसाधन आए हैं, आप देखें शहर में नए बिल्स भी रख दिए गए हैं, कुछ बिल्स अभी भी रखे हुए हैं, उनको भी हम भेज रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं रहेगी तब तक कार्य नहीं होगा। और हम कभी ये नहीं करें कि तीन दिन का अभियान है, मैंने अपने खुद ही बोला हम इसको माहवार चलाएंगे, हो सकता है तकरीबन दूसरे प्रतिष्ठानों को, बड़ी मार्केटों को भी जोड़े, तो ये तो फेज वाइज है, हर महीने कुछ ना कुछ करना है ताकि लोगों को जागरूकता रहे कि भूल ना जाए। हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, खाली प्लाटों में कूड़ा फेंकने के खिलाफ आपने कई बार आदेश जारी किया है, जुर्माना होगा, कार्रवाई होगी, नालियों में सिल्ट या सीवर का पानी बह रहा है उसकी सफाई होगी, तो मच्छर वहीं से पैदा होते हैं, इसमें कहीं कुछ होता दिखाई नहीं देता। देखिए डेंगू के केस हमारे इस पर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इतना बताता हूँ, इस बार हमारे अभी भी जो हमें सीएमओ के यहाँ से सूचना मिलती है, जितने हॉटस्पॉट है, हमारे डेंगू के केस पिछले साल से हमें बताया गया कम है। नहीं देखिए होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में, मानता हूँ, लेकिन ये कि इस बार मेन कारण रहा कि जो तीसरी बरसात है, तीसरी बाढ़ का पानी जो बढ़ा, जो अभी भी घटा नहीं है, तो कई जगह जो बैकफ्लो करके, क्योंकि हमारे हॉटस्पॉट भी वही है जहाँ पानी ज़्यादा देर तक रुका रहा, कि जहाँ बाढ़, जहाँ गंगा जी का पानी नगवा या खोजवा क्षेत्र, नगवा क्षेत्र में पानी जो लो लाइंग एरिया है वहाँ जो रुका रहा तीसरी बार, जो सितंबर अंत या अक्टूबर तक आपने देखा होगा कि देव दीपावली तक भी पानी वहाँ रहा, तो जब पानी हटा है अब उसमें हम काम करा रहे हैं, उसमें हम एंटी लार्वा भी छिड़काते हैं, हम फॉगिंग भी कराते हैं, लेकिन और एक ये डेंगू एक जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है इस वक्त। नहीं नहीं फॉगिंग तो हम दो दिन दो टाइम कराते हैं, हम तो मान रहे हैं दो टाइम करा रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, नहीं नहीं देखिए इंस्टेंटली मच्छर मिले मर जाए ये नहीं है, फॉगिंग इज अ प्रिवेंटिव एक्शन, हम उसको करा रहे हैं ताकि सुबह के वक्त, डेंगू का मच्छर सब बताते हैं, डॉक्टर्स भी बताते हैं दिन में रहता है, ये नहीं डॉक्टर्स का एक मेडिकल ओपिनियन भी है यार, एक साइंटिफिक ओपिनियन कि डेंगू का मच्छर मोस्टली दिन में भी काटता है, तो हम सुबह भी कराते हैं, स्कूलों में हम रात को भी कराते हैं, स्कूलों में सुबह भी कराते हैं, बच्चों के आने से पहले 7-8 बजे हो जाए। एक पीछे अभियान पिछले महीने ही हमने 15 दिन पहले अभियान चला के सारे थाने जहाँ लोग आते हैं, सारी तहसील, मतलब हमारे यहाँ तो एक ही तहसील पड़ती है, और सारे स्कूल दो दो बार कवर करा दिए गए, तो दिन में इसलिए कराते हैं क्योंकि ये जो मच्छर का है डेंगू का, ये नहीं है कि सिर्फ रात को काटता है, एक लोगों में ये भी रहता है कि दिन में काटते दिन में क्या एक्शन हो रहा है, और कुछ एक ही होता है कि एक ही एरिया में रात को करेंगे दो शिफ्ट में हम दो डबल एरिया कवर कर लेते हैं, भाई वो तो 24 घंटे के हिसाब से 48 घंटे के हिसाब से, अगर सुबह करा ले तो अगले दिन सुबह नहीं, अगले दिन शाम को नहीं होगा वहाँ पर, वहाँ फिर दो दिन बाद उसका रोस्टर का नंबर आएगा। आयुक्त मैडम, प्रधानमंत्री मोदी का स्मार्ट सिटी बनारस किस पायदान पर है और नंबर वन आने में भी कितना समय लगेगा? नहीं नंबर वन आने का क्या, वो तो स्मार्ट सिटी में तो कोई रैंकिंग इस तरह से, वो तो मासिक रैंकिंग होती है, वो तो प्रोजेक्ट का है, उसमें कोई ऐसी कम्पिटिटिव रैंकिंग नहीं है, तो वो तो हमारा बजट, हमने ऑलरेडी अपना पूरा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, लास्ट प्रोजेक्ट हमारा स्मार्ट सिटी का स्टेडियम था, ऑलरेडी उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, काम चल रहा है। नहीं प्रदेश में नंबर वन की पायदान, प्रदेश में तो नंबर वन है हम बनारस, अब गलियों में तो डेली फॉगिंग हो रहा है, किसी की किसी अगले सुपरवाइजर के जगह जगह हमने वॉल पेंटिंग करके नाम लिखवा रखे हैं। आज भी अखबार में एक अच्छे, मतलब मैं शायद हिंदुस्तान में या अमर उजाला से मेरी बात हुई थी, शायद हिंदुस्तान में 1533 का हमने लिखा है,
जिसके यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है कुछ मेरा 1500 देखिए हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं करेंगे 1533 में नंबर करें किसी को शिकायत है तो अपना कर सकते हैं। हमने सड़कों का भी उसमें डाला है और ये अखबार में आया है आज। सर वो बात कर रहे तो हम इसलिए कह रहे हैं ना आपको एक शिकायती नंबर दे तो रहे हैं। अभी भी अगर उठाता भी है तो कहता कि हमारे को दो मशीन मिली है सर इतने बड़े एरिया में दो मशीन से कौन सी फॉगिंग कराऊंगा। नहीं बात अगर आपको फॉगिंग की शिकायत है आपकी फॉगिंग नहीं हो रही है मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास एक डेडिकेटेड नंबर है जो किसी के डायरेक्टली लिंक भी नहीं है उसको खाली हम मॉनिटर करते हैं वो कमांड कंट्रोल में चलता 1533 किसी को फॉगिंग नहीं है वहाँ अपना कॉल कर सकता है अपना बता सकता है मेरे यहाँ फॉगिंग नहीं हुई हम उसको बता भी देंगे हमारे पास रोस्टर रहता है कि आपके यहाँ फॉगिंग हुई या नहीं हुई है। 1533 आज छपी हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब ने इनको चिन्हित किया है नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने इनको चिन्हित किया है उनको टाइम दिया जा रहा है अगले तो 3 दिन मगर नहीं हटाते तो एक तरह से उन पर भी जुर्माना किया जाएगा। मतलब आपकी एक स्कीम थी पहले कि जैसे लोग घरों से कूड़ा लाते थे और कूड़ा केंद्र पे देते तो उनको रेवेन्यू मिलता था तो आप होटल ये एक प्राइवेट संस्था जो साथ में काम कर रही थी उसके द्वारा प्रायोजित थी अब वो संस्था कार्य नहीं कर रही इसलिए हम ये लोगों को अलग अलग तरीके से अब क्योंकि लोगों को प्रोत्साहित करना है मोटिवेट भी करना है इस बार हम कुछ प्रचार प्रसार के लिए प्रोत्साहन राशि निकालें प्रोत्साहन पुरस्कार निकालें अगली बार ये वाली स्कीम भी ला सकते हैं। इसको हम धीरे धीरे फेज वाइज करेंगे ये शुरुआत है क्योंकि अभी तक हम लोग अपने त्यौहार के सीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे थे पर्यटक भी आ रहे थे अब हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि इसको इस महीने कुछ जनवरी में कुछ नए साल पर कुछ और लॉन्च करेंगे तो इस तरह से कार्य करेंगे। घरों से कूड़ा उठाने के लिए कौन सी कार्यदायी संस्था है? वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन। और प्रति मकान से कितना पैसा वो वसूली करेगी? देखिए प्रति मकान का एरिया के हिसाब से है उसका हमने चार्ट ऑलरेडी डाल रखा है और उसमें प्रति मकान का नहीं उसमें यूनिट के हिसाब से होता है और एरिया के हिसाब से होता है तो ये नहीं कह सकते कि एक यूनिफॉर्म रेट है वो आपको मुझे लगता है अमूमन 100 लेते हैं कहीं 50 लेते हैं नहीं नहीं हमारे तरफ 40 या 50 रुपए है यानी साहब कितना है 50 रुपए है लेकिन 100 रुपए वसूल रहे हैं। देखिए वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है अब आपको एक चूल्हे से ज्यादा चूल्हे हैं एक चूल्हा एक चूल्हे के बराबर हां यूनिट के हिसाब से होता है तो एक चूल्हे का भी 100 रुपए ले रहे हैं। नहीं आप शिकायत बताइए कहां पर ऐसा है दुर्गापुर में हम लोग के घर से लिया उसने 100 रुपए आपके पास कोई पर्ची हो तो दिखा दे दीजिए कर लेंगे अगर उसने आपको 100 रुपए की पर्ची दिया और एक यूनिट हम चेक करा लेंगे। भाई साहब ये थी कि कूड़ा को घर से ही अलग करने की कवायद शुरू की गई थी कि वहाँ कार्बनिक कूड़ा अलग और अकार्बनिक अलग तो उससे जो है इसका हमने कराया इसका हमको लगता है कि जैसे हम अपना हम इसको ऐसे पता करते हैं कि हमारे लैंडफिल पे कैसे जा रहा है कूड़ा तो मेजोरिटी कुछ वार्डों को छोड़ दिया जाए तो हर वार्ड में कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है उसमें जा रहा है सेग्रीगेटेड क्योंकि प्लास्टिक हमारे एमआरएफ सेंटर्स पे आ रही है घरों से जो प्लास्टिक निकल रही है हमारे 4 एमआरएफ सेंटर्स उस पर आ रही है। इसमें इसलिए था कि ये जो अभियान चलेगा या ऐसे अभियान चलेंगे हमारा फोकस अब डोर टू डोर सेग्रीगेशन डोर टू डोर कलेक्शन में सेग्रीगेशन डोर टू डोर कलेक्शन तो हो रहा है जैसे भाई साहब खुद बोल रहे हैं इनके यहाँ से डोर टू डोर होता है अब उसका सेग्रीगेशन कंप्लीट 100% सेग्रीगेशन हो प्लास्टिक को हम रियूज करें और हमारे पास जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है या फिर हमारे पास यहाँ करसडा में जो हमारा वेस्ट टू कंपोस्ट है वहाँ भेजा जाए तो इसको हमने प्लान किया है ये अब अभियान के तहत इसको कर रहे हैं इसलिए इसमें RW वगैरह जुड़ेंगे क्योंकि RW का कूड़ा एक जगह नीचे आता है बड़ी सोसाइटी है तो एक जगह कई बार आता है तो हम उनको भी प्लान कर रहे हैं तो इस तरह से करा जाएगा। अभी चारों सेंटरों की बात की जाए तो अभी तक चारों सेंटरों को मिलाकर कितने कुंटल या कितने टन तक कचरा आया ये डाटा आपको अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी बता पाए ना मेरे पास अभी डाटा है नहीं मैं भी नोट करा देता हूँ। हाँ करा दे प्लीज ये जो 80 नाला बन गया 80 नदी का जो 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो NGT में NGT के आदेश के अनुसार एक जो कमेटी बनी उसका आदेश के अनुसार 80 नदी का जो डीसिल्टिंग करनी है और वो सिंचाई विभाग को दिया गया है समय समय पर वहाँ सफाई अभियान चलाते हैं लेकिन जो उसका प्रॉपर एक बड़ा वृहत कार्य योजना जो डीसिल्टिंग वगैरह करनी है उसकी क्योंकि सिल्ट भी आ गया है होता है तो वो सिंचाई विभाग के अंडर 80 नदी आती है नहीं मैंने खुद देखा मैं तो बता रहा हूँ ना आपको मैं तो वो बता रहा हूँ कि जो प्रावधान है उसमें इरिगेशन विभाग को उसकी डिसिप्लिन करने के लिए प्रावधानित किया गया तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। सफाई अभियान वगैरह हम चलाते हैं हमने एक दो जगह बैरिकेडिंग कराई ताकि लोग मलबा भी ना डालें तो कई जगह पुलिया रविंद्र पुल मैं बता तो रहा हूँ कई जगह रविंद्र पुलिया वगैरह रविंद्रपुरी की जो पुलिया वगैरह हमने बैरिकेडिंग भी करा दी है कि ये शिकायत रहती पुलिया तो ऐसी कोई आता तो हम उसको बैरिकेड करा लेते हैं लेकिन उसका जो विस्तृत एक कार्य क्योंकि वो नदी है नदी पे पानी का फ्लो नहीं कूड़ा कैसे हम तो इसलिए कि ताकि और मलबा ना डालें कई लोग मलबा डालना शुरू कर देते हैं अब उस मलबे को हम उठवाएंगे लेकर रहे हैं।
जिससे वो झाड़ झंखाड़ कूड़े के रूप में पड़ा रह जाता है रोड पर। नहीं उसमें, नहीं उसमें हम ये कहेंगे यार, ये इस बार लगता है कि लोगों को थोड़ा जानकारी अभाव है या हम लोग नहीं सही से कम्युनिकेट कर पाए हैं। जो डाल, क्योंकि ये डिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, ये अपने नॉर्मल पूरे वेट वेस्ट के साथ किचन वेस्ट के साथ दे देंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जाके डिग्रेड हो जाता है। या तो हम उनको ये बाहर फेंकने का कोई फायदा नहीं है, बाहर फेंकते तो और ज़्यादा वो नालियाँ वगैरह चौक करता है। इस अभियान को आपने अच्छा पॉइंट आया, इसको भी हम इसको पॉइंट आउट करते हुए कि इसका कैसे करना है निस्तारण या कोई हेल्पलाइन वगैरह करके इसको करेंगे। हम अगर ये पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये छोटे मोटे लोग घरों में पौधे वौधे करते हैं तो उनको फेंकना होता है अपना, तो इसको हम प्लान करके इसको इस अभियान में डालेंगे इसको। प्रक्रिया लैंड बसर वो अलाव का भी हमारे पास आदेश नहीं आया है, टेंडर हमारा हो चुका है। जैसे आदेश आएगा, मुझे लगता है 1 दिसंबर या 5 दिसंबर से आदेश आएगा तो हम कराना शुरू कर देंगे। बताइए कौन से वाला? बहुत से, जैसे आदमपुर का ले लिया था, एक पांडेपुर का ले लिया, पांडेपुर का आदमपुर का। देखिए मेन हमने शुरू करा दिए हैं, आपने ये बहुत पुरानी सूचना कल परसों में ही परमानंदपुर, पांडेपुर, आदमपुर, और आप देखेंगे अगर ये, मुझे लगता है मैं तो इसको बिल्कुल खंडन कर रहा हूँ कि बिल्कुल पुरानी सूचना है, क्योंकि परमानंदपुर तो हमारा वन ऑफ द मेन है, राजघाट वाला और पांडेपुर वाला, ये सब हमारे रैन बसेरे चल रहे हैं। इवन हमारा कोतवाली वाला भी चल रहा है, सबसे ज़्यादा कोतवाली वाले में रुक रहे हैं, जो हमारा कोतवाली वाला है। नहीं देखिए दिन में नहीं चलती है, वो ऐसा कारण है जो एक दूसरी वाला है, वो जिस जो हमें पता लगा और जो मीडिया के माध्यम जो रिपोर्ट आई, एक का जो हुआ था उसका अभी तक हमारी बात हुई तो उसमें ये बताया गया कि अभी वो पता कर रहे हैं कि एग्जैक्टली किस कौन सी गाड़ी से। दूसरी वाली जो बता रहे हैं और वो है, हमारे कोशिश रहती है सुबह 8 बजे तक कूड़ा की गाड़ियां निकल जाएं शहर से। कई बार कुछ ये होता है कि कहीं जाम लग गया कुछ लग गया तो गाड़ी फंस जाती है, लेकिन ये हम प्लान कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे से पहले सारी गाड़ियाँ हमारा अपना कूड़ा क्लियर करके कर लें। तो कई रूट्स पर आप देखेंगे सुबह 8 बजे तक कूड़ा उठ भी जाता है 80%। लेकिन एक जो मुझे इसकी सूचना मिली इस वाले में, ये बताया जा रहा है कि टक्कर ऐसी हुई उसके बाद उसके सामने आया। ऑल्दो हमने दोनों में कहा कि आप बिल्कुल जो विधिक कार्रवाई है विधिक कार्रवाई हो, और जो भी दोषी है और उसका इंश्योरेंस वगैरह जो भी पैसा मिलना होगा, हमने किस तरह की रोक नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा 8 बजे से पहले इसको कर लें। सर इसमें एक क्वेश्चन इसी के साथ में रहा है कि जैसे एक्सीडेंट के बाद जो गाड़ियां आपकी नगर निगम की गाड़ी, ये लड्डू पुलिस चौकी नाटी में जो चौकी पे कई सालों से खड़ी सड़ रही है, देखिए उसमें हम कार्रवाई करते हैं, हम कोर्ट में अर्जी देते हैं, वो तो कोर्ट का विवेक है कि वो छोड़े ना छोड़े, हम उसमें नहीं कह सकते। हमारे नहीं, देखिए ये तो एक विधिक प्रक्रिया, अगर उसमें कोर्ट नहीं छोड़ना चाह रहे या जज साहब का विवेक है, हम उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे। नहीं नहीं हम पैर नहीं, देखिए छोड़ना तो पुलिस को भी नहीं, छोड़ना तो जज साहब को है जिनके यहाँ केस चल रहा है, तो हम पूरी पैरवी करते हैं। अगर वो कोर्ट का मत है कि अभी नहीं छोड़ी जा सकती, जरूरत है उस केस के लिए, तो हम उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। तो टाइमिंग क्या होती है कूड़ा उठाने की? कूड़ा उठाने की टाइमिंग हम लोग नॉर्मली, हमारा टारगेट रहता है गर्मियों में तो हम बिल्कुल टारगेट रखते हैं कि 4:30-5 बजे से गाड़ियाँ निकल जाएँ हमारे परिवहन शाला से, और रूट कवर करते हुए निकल के 8 बजे शहर के बाहर की तरफ थोड़ा मूव कर जाएँ। ऑल दो जो ये है ये उस तरफ है कि जब गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं उस रूट पर ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये प्लान कर रहे हैं PWD के कुछ उसमें स्पीड ब्रेकर बनाए जाए रोड पर, क्योंकि स्पीड ब्रेकर की जरूरत होती है। तो इससे ये रहेगा कि हमारी नहीं दूसरे डंपर भी जो उधर जाते हैं, तो ये तो किसी से साथ भी हादसा हो सकता है, तो एक ये सेफ्टी मेजर भी हो जाए कि वह स्पीड ब्रेकर भी हो जाए। तो सुरक्षा के लिए जो भी किट उपलब्ध कराना चाहिए वो किसी के पास नहीं है, और नहीं देखिए अगर सारी घटनाएं हो चुकी, आप कहीं भी देखिए जहां भी मैनहोल में आदमी घुसता है कोई भी, देखिए जो एक दो पीछे मैं बताता हूँ, जो एक दो लोग पीछे फोटो सर्कुलेट होती हैं, हमारे वाले हमने सारी किट देते हैं, सबको किट दी, इवन हमने सफाई कर्मचारियों को सर्दियों की ड्रेस भी दे दी है। किट का प्रयोग नहीं करते हो, मेरी बात सुनिए, मेरा कई बार आदमी व्यक्तिगत सफाई कर्म सीवर वाले को किसी को पकड़ता है कि तुम मेरे यहाँ का सीवर साफ कर दो, वो जल कल से नहीं होता है, और उसको दिखाया जाता है कि नगर निगम कर रहा है। कई बार आदमी जो व्यक्तिगत सीवर सफाई करने के लिए अपना बुला लेता है वो कोई प्राइवेट आदमी होता है, तो उसमें होता है एक हमारे पास संज्ञान में आया था, हमने जो ठेकेदार करा उस पर जुर्माना भी लगाया जल कल ने। लेकिन ये बात ये है कि अगर आपको ऐसा काम कराना है सफाई किट का, आप बाध्यता है, नहीं तो हम जुर्माना अब इस पर भी लगाएंगे, जो करा रहा है काम उस पर जुर्माना लगेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। आपने संज्ञान लगे, हम रात को एक बार रैंडम जांच करा लेंगे आजकल में, कि हमारे अधिकारी जाकर रैंडमली चेक कर लेंगे कि अगर ऐसा है तो, क्योंकि हमारे तैयार तो हो गए हमारे रैन बसेरे, पानी वानी आ रहा है सब आ रहा है, जो अगर ये समस्या है तो उसको हम चेक करा लेंगे और करवाएंगे। ठीक, वैसे वो जो कूड़ा गाड़ियाँ चलती हैं वो
जब जाती हैं तो पीछे से पानी से हो जाता है, काफ़ी दुर्गंध होती है, तो इसको रोकने को। वैसे कूड़ा गाड़ी का ये रहता है, नियमों को वायलेट कर रहे हैं, हम गाड़ी का नंबर आप नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी भेज सकते हैं। वो पानी का पहले जब ले जाते तो पहले उसको वहाँ जा जहाँ से कलेक्ट करते हैं वहाँ उसको, क्योंकि डिस्पोजल रहता है, पानी को वहीं कंप्रेस करके निकाल दिया जाए और ढक के ले जाएं जो बिल्कुल खुले वाले टाइप की हैं। ये तो खैर हमारे वाले मेजोरिटी ऑफ गाड़ियाँ तो कवर हैं, कम्पैक्टर टाइप हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर आता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, या हमें बता दीजिएगा तो आप नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बता सकते हैं, हम उसको रोक के कार्रवाई करेंगे। इसको हम तरह से काशी में विभिन्न भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं, तो काशी की जनता के साथ एक जनभागीदारी अभियान चलाने का हमारा उद्देश्य है, जो हम 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलाने का हमारा प्लान है। और हम इसमें जगह जगह पर अलग अलग कार्रवाई करेंगे, गार्बेज वनेबल पॉइंट्स को रिन्यू करेंगे, जो लोग वायलेट कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाएंगे, साथ ही साथ प्रचार प्रसार घाटों पर जीरो जीरो गार्बेज घाट डेवलप करने का है कि एक अभियान में जीरो गार्बेज घाट दिखे, ये सब करने का प्लान है। साथ ही साथ एक बार इस बार क्योंकि अधिक संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े हैं और एक जनभागीदारी को सक्सेसफुल बनाएं, हमने एक प्रोत्साहन पुरस्कार और जो अभी तक हम प्लान कर रहे हैं कि इस प्रोत्साहन पुरस्कार या पुरस्कार राशि अलग अलग गतिविधियों की जो रहेगी उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि विजेता को टैबलेट भी देंगे, ताकि एक उससे हमारा जो डिजिटल इंडिया का भी वो है सपना है और जो हमें साकार करना है, तो लोगों को इस पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार में ये सब हमारा प्लान है। तो ये एग्जैक्ट प्राइस राशि जो है या पुरस्कार जो रहेगा ये 1-2 दिन में पता लग जाएगा, क्या क्या गतिविधियाँ रहेंगी, किस किस गतिविधियों के लिए रहेगा, ताकि अलग अलग गतिविधियों में अलग अलग तरह के लोग जुड़ सकें और एक इस स्वस्थ अभियान को एक सक्सेसफुल तरीके से हमें संपन्न कराने में सहयोग दें। सर जन सहभागिता की बात कर रहे हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल आवास भी हैं, उसके अलावा कॉमर्शियल फ्लैट्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेज भी हैं, तो उनके साथ कोऑपरेशन का कोई विशेष प्लान? हमारा कोऑपरेशन ऑलरेडी बड़े बड़े स्कूलों से हमने ऑलरेडी बात कर ली है, स्कूल सब ऑन बोर्ड हैं, स्कूलों से हमारी कार्रवाई चलेगी और बिल्कुल स्कूल इसमें सहयोग देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी RWAs हैं या जिसको या जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं मल्टी टावर्स है, तो उनकी RW के प्रेसिडेंट वगैरह से भी हम लोगों ने बातचीत कर ली है, वो भी इसमें सहयोग देंगे। इस चरण के बाद हम दोबारा अभियान चलाएंगे, उसमें भी हम मार्केट्स को जोड़ेंगे, प्रतिष्ठानों को जोड़ेंगे, कुछ हम ऐसा प्लान कर रहे हैं जीरो गार्बेज स्ट्रीट टाइप का भी कर सकते हैं प्लान। तो जिस तरह से लोग आइडिया देंगे, लोग जब जुड़ेंगे तो लोग आइडिया भी देते हैं कि यहाँ ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो उसके लिए हम ओपन रहेंगे, तो इस तरह से इसको चलाएंगे। सर नगर निगम के टेरिटरी का एक्सटेंशन हुआ है, तो वहाँ पे साफ सफाई के लिए क्या मैन पावर की कमी है या फिर प्रॉपर तरीके से हम? देखिए मैन पावर की कमी नहीं है वहाँ पर कमी थोड़ी हम लोगों की व्हीकल्स की थी या बिन्स की थी, बिन्स हमारे आ गए, हमने ऑलरेडी रखने शुरू कर दिए, हमारे व्हीकल्स भी आ गए हैं, टिपर भी आ गए हैं, इवन भगवानपुर साइड के एरिया में हमने अपने इलेक्ट्रिक गार्बेज व्हीकल जो छोटी छोटी गलियों में जा सके वो भी चलाने शुरू कर दिए। तो अब हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में कि नए एरिया को भी हम कैटर कर सकते हैं। अगले 1-2 महीने में कुछ और संसाधन आ जाएंगे, कुछ ट्रैक्टर वगैरह हम बढ़ा रहे हैं, टाटा टिपर भी हमने स्पेशली टिपर मंगाए हैं नए क्षेत्रों के लिए, टाटा एस के ट्विन बिन वाले, वो भी मुझे लगता है 10-12 दिन में आ जाएंगे, तो वो भी उसको वहीं नए इलाकों में ही संचालित किए जाएंगे। सर 5,000 से 1 लाख का जुर्माना क्या है पूरा? देखिए ये 5,000 से 1 लाख का जुर्माना ये है कि जो लोग खुले में कूड़ा फैलते हैं खुद उनको ये रहता है, बार बार चेतावनी भी देते हैं नहीं मानते हैं, तो उससे खाली शहर की गंदगी नहीं शहर में बीमारी फैलने का भी डर रहता है। इसमें प्रावधानित है हम लोगों को, ये नगर निगम को पावर दे रखी है कि हम जुर्माना लगा सकते हैं। हमने ऑलरेडी ऐसे जो रिपीट वायलेटर्स है अपने कैमरों के माध्यम से चिन्हित भी कर लिए हैं। मैं आपके माध्यम से फिर कहूँगा अगले 3 दिन में वो अपना सुधार लें, अपना इंतजाम कर लें, सड़कों पर बिजली के खंभों किनारे कूड़ा ना फेंकें। अगर हमारे हमें 1 तारीख से अप्रूव मिलता है हम जुर्माना करेंगे, और जिस तरह का जितना कूड़ा है या जिस तरह का वो है कि कितनी रिपार्टिंग से कितना ज़्यादा कूड़ा फेंक रहे हैं, हम उस तरह से जुर्माना भी लगाएंगे। सिमिलरली हमने मलबे वालों पे 1-2 बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स पे ठेकेदारों पे पहले जुर्माना भी लगाया है 50,000 रुपये का 25,000 रुपये का, तो जुर्माना लगाएंगे। साथ ही साथ हमने कुछ अस्पताल भी चिन्हित किए हैं जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट या सैनिटरी वेस्ट कभी कभार कूड़े में डाल देते हैं। 1-2 बार ऐसे हमें वो सूचनाएं मिली हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, हम उनको भी आगाह करना चाहेंगे ये करना बंद कर दें, नहीं तो 1 तारीख से हम अस्पताल पे भी इस तरह के सैनिटरी वेस्ट के लिए जुर्माना लगाएंगे। लोगों का कहना है कि घरों पास डस्टबिन नहीं है और समय से गाड़ियाँ नहीं आती है, तो कूड़ा कहाँ रखेंगे? देखिए शहर में दोनों व्यवस्थाएँ हैं, जो कमर्शियल इलाके हैं नॉर्मली प्रावधान ये रहेगा अपना कूड़ेदान रखें, वहाँ डंपर या बिन्स हमारे रहते हैं, ये नहीं रहता है कि गाड़ी की एक टाइम रहता है सुबह और शाम, 24 घंटे गाड़ी नहीं आती है, या गाड़ी का नॉर्मली एक टाइम रहता है, दिन में 1 बार ही आएगी,
तब तक आपने घर में कूड़ा रखे, ये नहीं कि बाहर सड़क पर फैले। सिमिलरली दुकानों का ये रहता है कि दुकान बंद करते हैं बाहर कूड़ा डाल देते हैं। हमारे शहर में इतने, आप किसी भी रोड पर निकल जाए, इतनी संख्या में बिन्स हैं, हर 500 मीटर में आपको एक बिन दिख जाता है और कहीं भी आप रख सकते हो, बिन में डालें शाम को। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ये आती है कि शाम को जब मार्केट वगैरह बंद होती है तो बाहर फैला देते हैं कूड़ा। इसके लिए हमको सेपरेट शिफ्ट भी चलानी पड़ रही है, जबकि वहीं पड़ोस में बिन रखा होगा। अर्दली बाज़ार, आपका काशी विद्यापीठ के सामने की मार्केटें, इंग्लिश लाइन, इस तरह हमने कई बार ये शिकायतें पकड़ी भी हैं, कई बार अब हम इस पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।